नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मनारायण विष्णु, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज अपन परमेबिलिटी एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें अपन बात करेंगे कि परमेबिलिटी एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किन किन के द्वारा होता है, जिसमें पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इन पांच टॉपिकों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन परमेबिलिटी एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो इसके बारे में अध्ययन करने से पहले अपन को ये जानकारी होनी चाहिए परमेबिलिटी क्या है। पारगम्यता के आधार पर कोई भी झिल्ली या मेम्ब्रेन को दो भागों में बांटा जाता है, एक होती है इम्परमेबिलिटी और एक होती है परमेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें कोई भी तरल या गैसीय पदार्थ आ जा नहीं सकता। परमेबिलिटी ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें पदार्थों का आवागमन हो सकता हो, ये दो प्रकार की होती है। एक सेमी परमेबल, ऐसी झिल्ली जिसमें सिर्फ विलेय ही आर पार जा सकें, वो कहलाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक होती है सेलेक्टिव परमेबल, ऐसी झिल्ली जो विलेय व उसमें घुले हुए पदार्थों की पारगम्यता में श्रेणीकरण या भिन्नता रखती है, अर्थात जल व कुछ घुलित पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण को आर पार हो सकते हो, लेकिन ऐसे ही भौतिक स्वरूप वाले अन्य पदार्थ आर पार नहीं हो सकते। ये तो हो गई पारगम्यता की बात। अब बात करते हैं परिवहन की दृष्टि से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य और चयनात्मक पारगम्य होती है। प्लाज्मा क्ला किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड का स्तर होता है और वो क्या जलरोधी सिरा होता है, जिसके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो जल को आर पार जाने में रुकावट उत्पन्न करता है। परंतु प्लाज्मा कला में क्या उपस्थित होता है? प्रोटीन उपस्थित होता है। वो प्रोटीन क्या करता है? लिपिड के स्तर को, की सांद्रता को, या कहने का मतलब लिपिड के स्तर की सांद्रता को विच्छिन्न कर देता है। और वो प्रोटीन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करता है, अर्थात वो एक वाहक प्रोटीन का काम करता है, जिससे कि अणु या आयन आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ गमन कर सके। किसी भी झिल्ली की पारगम्यता मुख्यतः झिल्ली में उपस्थित छिद्रों, अभिगमन करने वाले अणु के आकार व आवेश, पदार्थों की जल में या तेल में विलेयता तथा पारित होने वाले पदार्थों की कोशिका द्रव्य में सांद्रता पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं अपन प्लाज्मा कला के आर पार अणुओं का अभिगमन मुख्यतः पांच प्रकार से हो सकता है, जिसमें पहले नंबर पे अपन बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके बारे में, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले अपन बात करेंगे पैसिव जिसमें अणुओं का परिवहन अधिक सांद्रता से, जिसमें अणुओं का परिवहन अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर होता है। सबसे पहले याद रखने पैसिव ट्रांसपोर्ट में अणुओं का परिवहन अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होता है। ये दो तरीके से होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वाहक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाहक की सहायता से होता है, जबकि सरल डिफ्यूजन नॉर्मली धीमी गति से उच्च अणुओं का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्षेत्र की ओर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, और अतः इस प्रकार के परिवहन एवं उसकी दशा विसरित होने वाले अणु की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करती है। साथ ही आयनों का विसरण सांद्रता प्रवणता के साथ साथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट पर भी निर्भर करता है। दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती या ऊर्जा का व्यय नहीं होता, परंतु इसमें
अणु का जो गमन होता है वो धीमी गति से होता है, ठीक है। और इसमें एक सरल डिफ्यूजन में जो परिवहन होता है उसके बारे में अपन इसमें एक में ये वाला, और इसमें क्या होता है कि निष्क्रिय जो परिवहन होता है उसमें जो सरल डिफ्यूजन होता है उसमें क्या जो परिवहन होता है वो प्रोटीन छिद्रों में से नहीं होकर लिपिड स्तर के अंतराकाशों से आर पार अणु या आयनों का परिवहन होता है, ठीक है, या प्रोटीन के रेखित छिद्रों द्वारा होता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। कई पदार्थ जैसे शर्करा या अमीनो एसिड आदि क्या होते हैं, जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार सरल विसरण की तुलना में अधिक तेजी से प्रवेद होते हैं। कहने का मतलब जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसमें पदार्थों का आवागमन धीमे होता है, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे शर्करा और अमीनो अम्ल जिनका परिवहन तेजी से होता है, और ये विशेष प्रकार का विसरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले वाहकों की सहायता से होता है। वापस से बताता हूँ, कुछ पदार्थ जैसे शर्करा या अमीनो एसिड जो क्या होते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार तेजी से विसरित होते हैं। इनके तेजी से विसरित होने का कारण है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे वाहक होते हैं जिसकी वजह से ये तेजी से विसरित होते हैं। इस प्रकार के विसरण को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी एक निष्क्रिय परिवहन है परंतु इसमें प्रोटीन एक वाहक का कार्य करते हैं। इसमें भी क्या होता है, अणु का परिवहन अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर होता है। अब बात करते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम विसरित होने वाले पदार्थ वह वाहक प्रोटीन के साथ एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। विसरित होने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या करता है, सबसे पहले वाहक प्रोटीन के साथ एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि इससे क्या कहते हैं, फिर कैरियर सोल्यूट कॉम्प्लेक्स, यानी कि इससे वाहक विलय आबंध कहा जा सकता है। अब यह मिश्रण प्लाज्मा कला के भीतर स्थित परिवर्तन या संरूपण, अब यह मिश्रण क्या करता है, प्लाज्मा कला के भीतर क्या करता है, कॉन्फ्लिगेशन चेंजेज करता है। एक बार वापस से बता देता हूँ मैं, सबसे पहले पदार्थ और प्रोटीन का एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं कैरियर सोल्यूट कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉन्फ्लिगेशन चेंज करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, विलय क्या करता है कि किस प्लाज्मा कला की दूसरी तरफ चला जाता है। प्लाज्मा कला में कॉन्फ्लिगेशन चेंज करता है जिससे क्या होता है कि विलय प्लाज्मा कला के दूसरी तरफ चला जाता है। इसका डायग्राम मैं आपको इधर वापस से बता देता हूँ, ये वाला ये वाहक प्रोटीन है और ये क्या इसके साथ अटैच होते हैं, और इसमें प्लाज्मा कला में कॉन्फ्लिगेशन चेंज होता है और विलय क्या होता है, प्लाज्मा कला के दूसरी तरफ चला जाता है। अब अपन बात करते हैं, वापस से इधर आते हैं, परिणाम स्वरूप विलय प्लाज्मा कला के दूसरी तरफ चला जाता है तथा वाहक से मुक्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात वाहक अपनी यथास्थिति में आ जाता है। इस प्रकार के वाहक प्लाज्मा कला में इंटरनल प्रोटीन के रूप में उपस्थित होते हैं तथा विसरित होने वाले अणु के साथ स्वयं को अस्थायी तौर पर परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, जिससे कि ये उन अणुओं को स्वव्यवस्थित कर कोशिका में पहुंचा सके। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ग्लूकोज का जो लाल रुधिर या आरबीसी में जो परिवहन होता है वो इसी के एक एग्जांपल है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन एक कैरियर होता है और वो ग्लूकोज का परिवहन किस में करता है, आरबीसी सेल के अंदर करता है। अब आगे बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एवं सक्रिय अभिगमन के लिए कुछ आवश्यक जो कैरियर होते हैं वो निम्न है, उनके बारे में मैंने आपको डायग्राम में बताया। पहला है यूनिपोर्ट, पहला कैरियर है यूनिपोर्ट, ये जो एक ही प्रकार के विलय को स्थानांतरित करते हैं वो कैरियर क्या कहलाते हैं, यूनिपोर्ट कैरियर। ये किस में काम आते हैं, एक तो
फैसिलेट डिफ्यूजन में काम आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी काम आते हैं, जो आगे अपन बात करेंगे। दूसरा, कोट्रांसपोर्ट। कोट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक विलय को स्थानांतरण दूसरे विलय के गमन पर निर्भर करता है। यह एक ही या दोनों दिशाओं में हो सकता है। वापस से रिपीट करता हूँ, कोट्रांसपोर्ट इसमें विलय का स्थानांतरण दूसरे विलय के गमन पर निर्भर करता है। ये एक ही या दोनों दिशाओं में हो सकते हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये कोट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं, दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिम्पोर्ट। ये वाहक दो प्रकार के विलय को एक साथ एक ही दिशा में स्थानांतरित करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल, दो प्रकार के विलय को एक साथ एक ही दिशा में स्थानांतरित करते हैं। दूसरा एंटीपोर्ट, जिसका एग्जाम्पल, ये वाहक को या ये वाहक दो प्रकार के अणुओं को विपरीत दिशा में स्थानांतरित करता है। एक इधर आ रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो कैरियर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिपोर्ट, एक होता है कोट्रांसपोर्ट। कोट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है सिम्पोर्ट और एक होता है एंटीपोर्ट। अब बात करते हैं अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? इसमें क्या होता है, जब उसका जस्ट उल्टा, अणु या आयन अपने कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं, क्योंकि सक्रिय अभिगमन में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी, एक सेकंड, सक्रिय अभिगमन में अणुओं को सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में धकेला जाता है, अर्थात इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय अभिगमन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोशिका द्वारा उत्पन्न उपापचय ऊर्जा को, जो एटीपी द्वारा प्राप्त होती है, काम में लेता है। अतः उपापचय ऊर्जा एटीपी मिलने पर पराशन दाब, सांद्रता प्रवणता, विद्युत प्रवणता के विरुद्ध भी अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर गति करते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात ही, सक्रिय अभिगमन में भी प्रोटीन वाहकों की सहायता, सक्रिय अभिगमन प्रोटीन वाहकों की सहायता से होता है। तो इसको एक बार से अपन और समझ लेते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अणुओं का अभिगमन कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है, और इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। उपापचय ऊर्जा, जो मेटाबॉलिक एनर्जी प्राप्त होती है, वो किसके रूप में प्राप्त होती है, एटीपी के रूप में, और जिसके कारण अणु अपनी सांद्रता प्रवणता, परासन दाब, विद्युत प्रवणता के विरुद्ध अपनी कम सांद्रता क्षेत्र से अधिक सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करते हैं। और सक्रिय अभिगमन में भी प्रोटीन वाहक आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। प्राणी कोशिका में या एनिमल सेल में सक्रिय सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा सक्रिय अभिगमन की क्रियाविधि को समझा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा अपन सक्रिय अभिगमन की क्रियाविधि को समझ सकते हैं। सोडियम आयन के कोशिका से बाहर व पोटेशियम आयन के कोशिका के अंदर की ओर सक्रिय अभिगमन हेतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन वाहक उपस्थित होते हैं, और इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको अपन निम्न चरणों में समझ सकते हैं। पहला, तीन Na+ आयन तथा एक एटीपी का अणु प्लस वाहक एंजाइम एटीपेज से अपने निर्दिष्ट स्थलों पर संयुक्त होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए, डायग्राम में आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला सबसे पहले
तीन Na प्लस आयन और एक ATP अणु, वाहक और ये क्या है ATPase एंजाइम, तीनों एक विशिष्ट स्थल पर संयुक्त होते हैं। ATPase की उपस्थिति में ATP के जलीय अपघटन के फलस्वरूप ATP किस पे कन्वर्ट हो जाता है, ADP में, और साथ में क्या बनाता है फॉस्फेट, जिससे फॉस्फेट ATPase एंजाइम के साथ संयुक्त हो जाता है और ADP अलग हो जाता है। ये प्रथम चरण में सेल के अंदर प्रक्रिया होती है सोडियम अनसेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। अब सेकंड चरण में क्या होता है, इस प्रकार फॉस्फेट के जुड़ने से, फॉस्फेट किसके साथ जुड़ता है ATPase एंजाइम के साथ, तो इस प्रकार फॉस्फेट के जुड़ने से ATPase का फॉस्फोलीकरण या फॉस्फोलाइजेशन हो जाता है। फॉस्फोलीकरण के फलस्वरूप इस एंजाइम वाहक में कॉन्फिग्रेशन चेंज हो जाते हैं, जो ये एंजाइम वाहक है इसके साथ कौन जुड़ जाता है फॉस्फेट जुड़ जाता है, और फॉस्फेट जुड़ने से इसमें इस एंजाइम इसमें वाहक में क्या आता है कॉन्फिग्रेशन चेंजेज आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इस कॉन्फिग्रेशन चेंजेज के फलस्वरूप Na प्लस आयनों को प्लाज्मा के आर पार स्थानांतरित कर देता है। ये जो वाहक है ये क्या करता है Na प्लस आयनों को प्लाज्मा के उस तरफ बाहर की तरफ धकेल देता है, ठीक है, कोशिका के बाहर निर्मुक्त करता है। फिर अब दो के प्लस आयन इस एंजाइम वाहक से संयुक्त हो जाते हैं, दो एंजाइम वाहक, ये इसको मैं आपको वापस से बताता हूँ, ये दो एंजाइम वाहक इसके साथ संयुक्त हो गए दो, ठीक है, एक यहाँ Na प्लस कितने हो रहे थे तीन और यहाँ दो, ठीक है। अब नेक्स्ट K प्लस आयन के संयुक्त होते ही ATPase का डीफॉस्फोलाइजेशन या विफॉस्फोलीकरण हो जाता है तथा पुनः ये फॉस्फेट एंजाइम से विमुक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एंजाइम वाहक अपनी पूर्व की वास्तविक स्थिति में आ जाता है, जो कि K प्लस आयनों को कोशिका के भीतर स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। इस तरीके से ये मैकेनिज्म पूर्ण होती है। इसको अपन वापस से मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ATPase तीन Na प्लस आयन और एक ATPase अणु, वाहक और ATPase एंजाइम, तीनों एक विशिष्ट तल पर संयुक्त होते हैं, और जिससे क्या करता है ATPase एंजाइम की उपस्थिति में ATP का क्या हो जाता है जलीय अपघटन हो जाता है, और ATP से क्या बन जाता है ADP, और क्या साथ में क्या बनता है फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट किसके साथ संयुक्त हो जाता है ATPase एंजाइम के साथ, जिससे ATPase एंजाइम का क्या हो जाता है फॉस्फोलाइजेशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है एंजाइम वाहक में कॉन्फिग्रेशन चेंजेज आते हैं, जिससे Na प्लस आयन कोशिका के बाहर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसी समय दो के प्लस आयन क्या करते हैं इस एंजाइम वाहक के साथ जुड़ जाते हैं और वापस से क्या होता है ATPase एंजाइम का डीफॉस्फोलाइजेशन हो जाता है और फॉस्फेट आयन वापस मुक्त हो जाता है, और जिससे K प्लस आयन क्या होते हैं कोशिका के भीतर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस तरीके से सक्रिय अभिगमन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। अब सक्रिय अभिगमन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक तो ATP और एक वाहक प्रोटीन। अब बात करते हैं अपन ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस क्या है, तो सबसे पहले अपन बात इसकी परिभाषा से आती है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक या जल के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता अर्थात
तनु विलयन से कम सांद्रता सांद्र विलयन की ओर गमन ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब परासरण दो तरह की क्या ऑस्मोसिस दो तरीके से होता है। पहला एक तो होता है एंडो ऑस्मोसिस, जिसका अपन चारों ओर के माध्यम से कोशिका कला या चारों ओर के माध्यम से कोशिका जीवद्रव्य कला द्वारा पानी के प्रवेश को अंतःपरासरण, यानी कि बाहर से अगर कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, अंतःपरासरण। जिसका उदाहरण है किशमिश का फूल जाना, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एक्सोस्मोसिस, चारों तरफ के माध्यम से कोशिका से पानी का बाहर निकलना बाह्य परासरण कहलाता है। इसमें माध्यम की सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक होती है। जैसे अंगूर को अपन किस में रख दे, या अंगूर पर नमक के पानी का छिड़काव कर दे तो क्या हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। इसका एग्जांपल ये है, ठीक है। ये हो गया ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं अपन एंडोसाइटोसिस। कोशिका झिल्ली द्वारा बाह्य पदार्थों को घेर कर पाचन करने को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। कोशिका झिल्ली द्वारा ये क्या है, बाह्य पदार्थ है, इनको घेर कर पाचन करने की प्रक्रिया कहलाती है एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस दो तरीके से होता है, एक होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फेगोसाइटोसिस। तो अपन पहले बात करते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा सॉलिड पदार्थों को घेर कर उनका पाचन किया जाता है तो वो कहलाता है फेगोसाइटोसिस। क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। ये सॉलिड पदार्थ है, क्या है, सॉलिड पदार्थ। अगर इनका पाचन हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। और यही अगर लिक्विड मटेरियल है तो ये क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस। क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस। अब बात करते हैं अपन एक्सोसाइटोसिस। कोशिका द्वारा अनावश्यक पदार्थों को कोशिका झिल्ली से बाहर निकाल लाने की प्रक्रिया को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इस तरीके से आज का अपना टॉपिक फिनिश। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। नमस्कार।